बुधवार का दिन दिल्ली और पटना दोनों के लिए काफी खतरनाक रहा। दोनों जगह से ही दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई। दोनों ही जगह पर बम होने की धमकी मिली। दिल्ली के इंडियन स्कूल को परिसर में बम होने की धमकी मिली है। वहीं बिहार की राजधानी पटना से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम छोड़ाने की धमकी मिली है। पहले आपको दिल्ली के बारे में बता दें, इंडियन स्कूल को एक ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। ईमेल मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रिजेश नाम के व्यक्ति ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल बम स्क्वाड की मदद से चेकिंग जारी है। स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक सादिक नगर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल को सुबह 10:50 पर एक ईमेल भेजा गया, जिसमें दावा किया गया कि उसके परिसर में बम रखा गया है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली करा दिया गया है। स्कूल के बाहर के वीडियो में एक बड़ी भीड़ देखी गई है, जिसमें ज्यादातर छात्रों के माता पिता गेट पर इकट्ठे हुए हैं। वहीं यह पहली बार नहीं है जब स्कूल प्रशासन को बम की धमकी मिली है। पिछले साल नवंबर में एडमिन को एक अज्ञात शख्स से इसी तरह का ईमेल आया था। हालांकि जांच में पता चला कि वह एक फर्जी ईमेल था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चंदन चौधरी ने बताया कि उनकी टीम बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर है। वहीं बिहार की राजधानी पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा फोन कॉल मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और आनंद फानंद में बम स्क्वाड को बुलाया। फिलहाल बम स्क्वाड की टीम एयरपोर्ट पर जांच में जुटी है। पटना एयरपोर्ट पर मौजूद लोग शुरुआत में से मॉक ड्रिल मार रहे थे। हालांकि हवाई अड्डे के निदेशक बताया कि पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी का कॉल आया था। सूचना के आधार पर एयरपोर्ट बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने कॉल को गैर विशिष्ट पाया। स्टेट VDDS की टीम ने भी पूरे इलाके की छानबीन की। हालांकि बम निरोधक दस्ते को वहां कोई भी संदेहास्पद चीज नहीं मिली। ऐसे में फ्लाइट भी यहां अपने निर्धारित समय से आवागमन कर रही हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।